नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अभिषेक सागर है और अब आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। आईफोन और एंड्रॉयड के बारे में बात करेंगे। हमने देखा है कि आईफोन और एंड्रॉयड को अक्सर लोग कंपेयर करते हैं और काफ़ी हद तक इस वीडियो में मैं भी इन दोनों को कंपेयर करने वाला हूँ। हमने देखा है कि अगर आईफोन में 2GB रैम हो और एंड्रॉयड में भी 2GB रैम हो तो एंड्रॉयड कभी कभी लैग करता है अगर पुराना डिवाइस है, जबकि आईफोन नहीं करता है, ज़्यादातर नहीं करता है। वो भी करता है लेकिन नहीं करता है। यहाँ पर मैं किसी डिवाइस की बुराई नहीं कर रहा हूँ, इन दोनों ही डिवाइसेस में खुद की खासियत है और कुछ बुराई भी है। इसमें भी कुछ बुराई है, इसमें भी कुछ खासियत है, इसमें भी कुछ बुराई है, इसमें भी कुछ खासियत है। दोनों ही अच्छे हैं और मैं खुद एक एंड्रॉयड यूज़र हूँ, तो आप इस बात को समझ गए होंगे। इन दोनों के काम करने का तरीका अलग होता है, इसीलिए आईफोन हैंग नहीं होता। अब ये क्या अलग है, आइए बात करते हैं। सबसे पहली चीज कि हम जब किसी फोन में एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं कोई भी, तो वो रैम कंज्यूम करती है, स्टोरेज कंज्यूम करती है। जब हम उस एप्लीकेशन को हटा देते हैं, यूज नहीं कर रहे होते हैं, तो वो जो मेमोरी होती है जो ली हुई है उस एप्लीकेशन ने, वो फ्री हो जाती है, राइट। अब ये जो पूरा मैकेनिज्म है, ये एंड्रॉयड में गार्बेज कलेक्शन का नाम इसे आप कह सकते हैं, इसे गार्बेज कलेक्शन कहा जाता है, जो मेमोरी और रिसोर्सेज के साथ ये मैकेनिज्म काम करता है। इसमें क्या होता है कि जो भी एप्लीकेशन अब इस्तेमाल नहीं हो रही है तो रैम फ्री होगा। मैंने आपको जो बताया कि कैसे कैसे होता है, रैम फ्री हो जाता है। तो ये जो मैकेनिज्म है गार्बेज कलेक्शन का, ये खुद अपने आप में काफ़ी रिसोर्सेज लेता है। और आइडियली ऐसे डिवाइस में जिसमें रैम लिमिटेड हो, रिसोर्सेज लिमिटेड हो, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जावा बेस्ड होता है। जबकि हम बात करें आईफोन की, उसमें ARC काम करता है, ऑटोमेटिक रेफरेंस काउंटिंग, और ये मैकेनिज्म सी बेस्ड होता है, सी ऑब्जेक्ट बेस्ड होता है। अब इसमें क्या होता है कि कोई एप्लीकेशन नहीं इस्तेमाल हो रही है तो वो अपने आप जो रिलीज हो जाता है, और इस मैकेनिज्म में ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं लगते, इसीलिए ये ज़्यादा फास्ट हो जाता है, ये थोड़ा सा कभी कभी लैग करता है। दूसरी चीज़ है UI, यूज़र इंटरफेस। यूज़र इंटरफेस के बारे में आप जानते होंगे, हम फ़ोन चलाते हैं आँख बंद करके तो नहीं चलाते, राइट। हम फ़ोन चलाते हैं आइकन्स, मेन्यूज़, उन पर टैप करते हैं, जो भी चीज़ आपको फ़ोन में दिखाई दे रही है, स्क्रीन, होम स्क्रीन, मेन्यू, एप्लीकेशन, फोटो, ये जो भी दिख रहा है आपको, जिसे आप चलाते हैं, इसे UI बोलते हैं, यूज़र इंटरफेस। अब एंड्रॉयड में क्या होता है, आप जानते हैं कोई भी जो प्रोसेसर होता है वो काम कैसे करता है, उसमें अलग अलग प्रोसेस होते हैं, राइट। मैं कोई अगर कंप्यूटर में VLC मीडिया चला रहा हूँ तो उसका अलग प्रोसेस होता है, आपने कंप्यूटर चलाया होगा तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर उसका अलग प्रोसेस है, गूगल क्रोम का अलग प्रोसेस है। अब एंड्रॉयड में क्या होता है कि थ्रेड्स होते हैं, प्रोसेस में भी थ्रेड्स होते हैं, तो एक ही थ्रेड में सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं, सब कुछ एक साथ ही चल रहा होता है, मेरे कहने का ये मतलब एंड्रॉयड में। उसका UI जो उसका मेन्यू होता है पूरा, लॉन्चर जो होता है वो भी, बैकग्राउंड की एप्लीकेशन भी, एंड्रॉयड में बैकग्राउंड एप्लीकेशन ज़्यादा चलती हैं, उसमें ज़्यादा छूट दी हुई है डेवलपर्स को कि आप ऐसी एप्लीकेशन भी बना सकते हैं जो पीछे बैकग्राउंड में ज़्यादा चलती रहे, तो काफ़ी छूट है, आज़ादी है एंड्रॉयड में, एंड्रॉयड मतलब आज़ादी। तो अब सबके साथ उसका UI भी चल रहा है और उसकी प्रायोरिटी क्या है, नॉर्मल। किसी भी काम की प्रायोरिटी होती है, मुझे खाना खाना है, इसकी प्रायोरिटी हाई रखी हुई है मैंने, क्योंकि अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा और बिना खाए मर जाऊंगा। जबकि पेस्ट्री खानी है, इसकी प्रायोरिटी मैंने लो की हुई है, क्योंकि अगर मैं पेस्ट्री नहीं खाऊंगा तो मैं मरूंगा नहीं, ठीक है। तो जो नॉर्मल प्रायोरिटी रखी होती है UI की एंड्रॉयड में, और सारे प्रोसेसर्स के साथ वो काम करती है, इसीलिए उसके हिस्से की पावर कभी कभी दूसरे प्रोसेस ले लेते हैं, इसीलिए जो UI है, मेन्यू है, वो लैग करता है, लॉन्चर नहीं खुलता है। जबकि आईफोन में UI के लिए एक अलग थ्रेड होता है, एक अलग प्रोसेस होता है, और उसकी प्रायोरिटी हाई होती है, क्योंकि फोन को चलाने के लिए सबसे पहले तो मेन्यू ओपन करना पड़ेगा, मेन्यू ही नहीं ओपन होगा तो एप्लीकेशन कहां से खोल लोगे, राइट। तो उसके UI में अलग प्रोसेस, अलग थ्रेड होता है जिसकी प्रायोरिटी हाई होती है। अब आईफोन में कोई भी एप्लीकेशन हैंग करे ना करे, लेकिन UI, मेन्यू, लॉन्चर ज्यादातर हैंग नहीं होता, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं ऐप मैनेजमेंट। अब देखते हैं एंड्रॉयड में ऐप मैनेजमेंट कैसे होती है। अब एंड्रॉयड में जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत छूट है, यही इसका प्लस पॉइंट है। एंड्रॉयड में डेवलपर्स को बहुत छूट है, बैकग्राउंड में चलने वाली एप्लीकेशन, परमिशन मांगने वाली, ये कैमरा एक्सेस करने वाली, तरह तरह की एप्लीकेशन खुली आजादी के साथ बनाई जा सकती है, और यही एक रूम खोलता है मेमोरी लीक्स का, बैकग्राउंड एप्लीकेशन का। अगर होता है बैकग्राउंड एप्लीकेशन ज्यादा चलती रहे तो वो रिसोर्सेज लेती रहती है, जिसके कारण जो दूसरी एप्लीकेशन है उन्हें प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं मिल पाते और वो लैग करती हैं, हैंग हो जाती हैं। मेमोरी लीक्स होता है जैसे कि कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल हो रही है, आपने वो कट कर दी, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, अब वो ठीक है हटा दिया आपने बैकग्राउंड से, फिर भी वो जो रिलीज होनी है मेमोरी वो रिलीज नहीं हो पाती। जैसे 20 MB इस्तेमाल हो रहा है रैम में, मैं कोई गेम खेल रहा हूँ, मैंने वो गेम अब नहीं खेल रहा हूँ, तो 20 MB वापस जुड़ जाना चाहिए खाली स्पेस के, अब ये फ्री हो गया 20, लेकिन पूरा 20 नहीं हो पाता, 19,
और ये डेवलपर्स की कमी, उनको बनाना नहीं आता, प्रोफेशनल नहीं होते, उनकी कमी से ऐसे मेमोरी में प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से एंड्रॉइड स्लो हो जाता है। जबकि आईफोन में डेवलपर्स को बहुत लिमिट्स में बांधा गया है। आप एप्लीकेशन बनाते हैं आईओएस में तो काफ़ी परमिशन है, काफ़ी बैकग्राउंड को भी लेकर रेस्ट्रिक्शन है और काफ़ी हद तक बहुत चीज़ें आप नहीं कर पाते हैं। आईफोन में आज़ादी नहीं है, राइट? तो इसीलिए आईफोन थोड़ा सा होता है। और इसमें हमें और चीज़ जो लास्ट देखने को मिलती है, हार्डवेयर। अब जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बनता है वो किसी पर्टिकुलर हार्डवेयर के लिए नहीं बनता, मतलब इसी हार्डवेयर में चलेगा। आप जानते हैं कि कई एंड्रॉयड के जो नए नए वर्जन निकले उनका किसी डिवाइस से कोई टाइप नहीं है, जबकि किसी के साथ भी नहीं है। हाँ, नेक्सस के डिवाइस हैं, पिक्सल है, वो तो गूगल का ही है, लेकिन अब एंड्रॉयड का ओरियो आया, जो भी आया, अब ये तो नहीं जानता कौन से डिवाइस मिल रहा। अब ओरियो तो इंटेक्स के फोन में भी चल सकता है, लावा में भी चल सकता है, एलजी में भी चल सकता है, शाओमी में भी चल सकता है, सैमसंग में भी चल सकता है। तो तरह तरह के हार्डवेयर हैं और उन हार्डवेयर का कंट्रोल गूगल के पास नहीं है, तो आपस में कंपैटिबिलिटी का इशू भी हो सकता है। काफी डिवाइसेस कंपैटिबल ना हो क्योंकि वो गूगल ने नहीं बनाया डिवाइस। जबकि आईफोन में डालें तो उनका सॉफ्टवेयर भी खुद का है और आईफोन का जो भी पार्ट बन रहा है वो एप्पल कंपनी द्वारा ही निर्धारित किया जा रहा है, बनाया भी उनके द्वारा जा रहा है, तो वो ऐसा हार्डवेयर ही बनाएंगे या दूसरे अपने पार्टनर से अपने आईफोन के लिए ऐसे हार्डवेयर ही बनाएंगे जो उनके सॉफ्टवेयर के साथ 100% कंपैटिबल हो और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे। हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अब आप समझ गए होंगे कि एंड्रॉयड कैसे काम करता है, आईफोन कैसे काम करता है, दोनों के बीच में क्या फर्क है, क्यों इसका यूआई कभी हैंग नहीं होता और इसका हैंग हो जाता है। इसकी पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी। मैं ये नहीं कहता कि कौन सा डिवाइस खराब है, दोनों ही खराब हैं और दोनों ही अच्छे हैं अपने अपने मायने में। जैसे अलग अलग खूबियां हैं और अलग अलग नुकसान भी हैं। अब यह आपको डिसाइड करना है कि कौन सी खूबी आप देखना चाहते हैं और किस नुकसान के साथ आप काम चला लेंगे। आशा करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।